हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपके लिए पैसा कमाए। पैसे से पैसा बनता है। आप ₹100 लगा दो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, उसको पड़ा रहने दो, वो अपने आप आपको कभी ना कभी ₹100 का ₹200 हो जाएगा, ₹300 हो जाएगा। वक्त लगेगा, लेकिन हर चीज को वक्त लगता है, लेकिन एक दिन मुनाफा जरूर कमा के देती है। ₹1000 तो ₹100 लगा दो, 10,000 है तो ₹1000 लगा दो। 10% अपना, मैं आपसे कहूंगा कि 10% यू हैव टू स्पेंड ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट करो। और आप ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है कोई। ऐसे लोग सोचते हैं कि यार शेयर मार्केट बहुत महंगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने को शेयर 25 पैसे का भी शेयर मिल जाएगा। पैरी शेयर होते हैं, थोड़े रिस्की होते हैं, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करके कमा लेते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होके पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप ₹100 कमाते हैं तो आप ₹10 शेयर मार्केट में लगाओ, अपना एक वो बना लो। देखो ₹100 अगर आप, तरीका बताता हूँ, देखो ₹100 आपने कमाए, सब आप मान लो कि पूरे दिन में ₹100 कमाते हो, ₹50 आपकी सेविंग रखो ताकि आगे घर पे कोई दिक्कत हो जाए। 50% सेविंग रखो, घर पे दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसा 10% शेयर मार्केट में लगा सकते हो। 10% ₹10 शेयर मार्केट में लगा दो, आपके दिन मान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और दिन मान अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार भी रहो। लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है, सुने हो कि नहीं सुने हो, रिस्क है तो इश्क है।